जब केंद्र सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सब कुछ है, तो इसमें जवाब तो उनको देना चाहिए। ऐसा है क्या? हमसे कहा के जवाब मांग रहे हैं? नहीं, वो पर सर, सर, है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, अरे मेरे भाई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में अगर कुछ ऐसा पैसा है जो किसी ने डाला है, और पॉपुलर फ्रंट इंडिया अगर कोई आतंकवादी संगठन है क्या? आतंकवादी संगठन है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, क्या पैसा है? अरे करते हैं, अरे भाई, केंद्र सरकार किसकी है? मोदी जी शाह की जी। उनके पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईबी है, रॉ है, एनआईए है, जांच करें। तो उत्तर तो उनको देना चाहिए कि हम देंगे उत्तर? नहीं, जांच के पश्चात ही उन्होंने कहा, अरे मेरे भाई, खाते में डला है, अगर डला है तो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। दूसरा सवाल ये है, इस गणतंत्र दिवस पर 48 साल पुरानी रस्म तोड़ी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कौन सी रस्म नहीं तोड़ी? पूरे देश में आग लगा रखी है, लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं। अदनान सामी पाकिस्तान के, उनको तो नागरिकता दी, पद्मश्री दिया, और देश का जिसने कारगिल युद्ध लड़ा, मेजर समानुल्लाह खान, उसको डिटेंशन कैंप में भेजा हुआ है असम में, उसके पास नागरिकता का प्रमाण नहीं मिला उनको, जिसने फौज में काम किया, कारगिल में लड़ाई लड़ी, यह है इनका राष्ट्रवाद। और वो देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जिसने कि अफजल गुरु को कह के आतंकवादी को कमरा किराए पे दिलवाया दिल्ली में, उसको गाड़ी खरीदवाई, पुलवामा में उसकी पोस्टिंग वहीं थी, फिर आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? मेरा प्रश्न है अमित शाह और मोदी से, जिस तरह से आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए बजरंग दल के लड़के पकड़े गए, बीजेपी के लड़के पकड़े गए, मेरा प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान से कि उन पर आपने नागरिक सुरक्षा कानून क्यों नहीं लगाया, एनएसए क्यों नहीं लगाया? छोटे छोटे लोगों पर तो एनएसए लगा दिए उन्होंने, अब हम पर उनके एनएसए लगाएंगे उन लोगों को। क्या कमलनाथ का जो आपका भूमाफिया अभियान है, कहाँ तक सफल हो रहा है? इतना सफल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि माफिया से उनके गहरे संबंध हैं, तिलमिलाई हुई है। उनका कहना है कि भाजपा के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस क्योंकि क्योंकि सारा लैंड माफिया भाजपा का है, तो क्या किया जाए? आपके पीतमपुर में किस किस ने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन में, बताओ, कोई कांग्रेस ही ने कर रखा है क्या? सर, प्रभात झा ने आरोप, आज प्रभात झा ने कहा है कि अगर मुझसे राहुल गांधी बहस कर ले, अगर वो मनवा दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, या वो इस्तीफा दे दे राजनीति। प्रभात झा से कहिए कि वो इतने बड़े नेता नहीं कि राहुल गांधी उनसे बहस करेंगे। मोदी अगर बहस करने तैयार हो तो तैयार है वो। आपके जवाब से मिलता जुलता सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पीथमपुर में किसने कब्जा किया है, बीजेपी के लोगों के लिए सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी पीथमपुर में तो आपके प्रशासन ने एक भी कार्रवाई नहीं करी। करना चाहिए, वो यह मांग करेंगे प्रशासन से जी। धार में 17 लोगों की सूची तो एक पे कार्रवाई करके प्रशासन ने खत्म कर दिया। हम पता लगाएंगे प्रशासन से। एक बात है, दिग्विजय सिंह जी राजपूत समाज को बिलोंग करते हैं, जो क्षत्रिय समाज रहता है वो पैदल नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, जो हिंदू धर्म में मान्य है कि आप पैदल घूमेंगे तभी मान्य होगी, लेकिन वो यदि मुस्लिमों की बात करते हैं तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है। और सिर्फ दिग्विजय सिंह जी अकेले क्यों बात करते हैं कांग्रेस में मुस्लिम की, बाकी नेता जिनको बड़े पद चाहिए वो फ्रंट क्यों नहीं पकड़ते? मैं इतना जानता हूँ, पहली बात तो आरएसएस कोई हिंदुओं का संगठन नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो इसको हम हिंदुओं का संगठन मानते भी नहीं हैं, और इनको सनातन धर्म से कोई लेने देना नहीं है। सनातन धर्म के जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, स्वरूप हमारे शंकराचार्य हैं, एक शंकराचार्य जी इनके समर्थन में नहीं है, फर्जी बनाए हुए हैं, तो ये फर्जी वाला करने में होशियार है, लेकिन ये इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दिग्विजय सिंह सबकी मदद करता है, हिंदुओं को भी करता है, मुसलमानों को करता है, क्योंकि मैं, मेरा धर्म इंसानियत है, और इंसानियत ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। अनेकता में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। महात्मा गांधी का 150वीं जयंती चली हुई है, और
महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते से हटकर इस देश में भी अराजकता फैला रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। और दिग्विजय सिंह उनका टारगेट नंबर वन है और उसकी मैं परवाह भी नहीं करता। हमारे असलम भाई भी कुछ कहना चाहिए। वसंत उत्सव कल से स्टार्ट होने वाला है जी, आपसे कल से वसंत उत्सव स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए क्या कहेंगे भोजशाला को लेकर? ऐसा है, भोजशाला के अंदर हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, तो मैं अपील करूंगा सभी हिंदू और मुसलमानों को धार के कि वे शांति बनाए रखें, आपस में प्रेम सद्भाव बनाए रखें, और जिस प्रकार से जो प्रशासन ने जिस प्रकार से हमेशा मिलजुल के काम किया है, भड़काने का काम ना हिंदू करें ना मुसलमान करें,